नमस्कार सभी ईपीएफ खाता धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएफ खाता धारकों के ब्याज को जमा किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा एक बड़ी जानकारी दी गई है, तो उसी जानकारी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दरअसल सभी को अवगत है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ द्वारा 8.1% के हिसाब से ब्याज दिए जाने की घोषणा की गई थी, पर अभी तक ईपीएफओ खाता धारकों के खाते में जो है वो ब्याज की रकम जो है वो जमा नहीं हुई है। ऐसे में वित्त मंत्रालय द्वारा इसके संबंध में काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सभी ईपीएफ खाता धारकों के लिए साझा की गई है, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके पीएफ खाते में इंटरेस्ट की रकम जो है वो कब तक जमा हो जाएगी और वह जो है वो क्या यहाँ पर स्टेटस है। तो वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो बता दिया गया है, आप निश्चित तो हो जाइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ईपीएफ खाते में ब्याज की रकम जमा किए जाने के संबंध में अपडेट दिया गया है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी हाँ, सभी ईपीएफ खाता धारक वित्त वर्ष 21-22 का जो ब्याज है तो उसे ईपीएफ खाते में जमा होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अभी तक जो है वो ईपीएफ खाता धारकों का जो खाता है तो उसमें ईपीएफ का जो ब्याज है तो वो जमा नहीं हुआ था। ऐसे में इसके संबंध में यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक बड़ा अपडेट दिया गया है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सरकार ने कहा है कि उनके पीएफ अकाउंट में ब्याज डाला जा रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक पिछले साल टैक्स नियमों में बदलाव किया गया था और ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर को इसके मुताबिक अपग्रेड कर रहा है। इस वजह से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर को स्टेटमेंट में इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं या जो विड्रॉ कर रहे हैं उन्हें ब्याज के साथ पैसा दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस के को फाउंडर टीवी मोहनदास पई के एक ट्वीट के जवाब में यह जानकारी दी है। पई ने पूछा था कि ईपीएफओ से पूछा था कि मेरे इंटरेस्ट की रकम कहाँ है। उन्होंने पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टैग करते हुए कहा था कि हमें सुधार की जरूरत है, अधिकारियों के नाकारापन की सजा लोगों को क्यों मिलनी चाहिए। इसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्पष्टीकरण दिया है, यह ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए जानना जरूरी है। 40 साल में इस साल जो है वो लगभग 8.1% का जो ब्याज दर है वो कम दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी सब्सक्राइबर को इंटरेस्ट में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। सभी ईपीएफ सब्सक्राइबर के अकाउंट में इंटरेस्ट डाला जा रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है उसके कारण ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है। जो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं या जो विड्रॉ कर रहे हैं उन्हें ब्याज के साथ पैसा दिया जा रहा है। सरकार इस बार पीएफ पर 8.1% ब्याज दे रही है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मार्च में इतना ब्याज देने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने जून में मंजूरी दे दी थी। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो ट्वीट किया है तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये जो ट्वीट है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये ट्वीट जो है वो भी ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद जो मैं आपको इससे जो है वो पढ़कर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा एक थोड़ा सा इसको जो है वो अपन हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये जो ट्वीट है तो वो है, अभी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। देयर इज नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी सब्सक्राइबर। द इंटरेस्ट इज बीइंग क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ ऑल ईपीएफ सब्सक्राइबर, हाउएवर That is not visible in the statement in view of the software upgrade being implemented by EPFO to account for change in the tax incident. तो जी यहाँ पर ये जो जानकारी है तो वो दी गई है। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया है, for all outgoing subscriber seeking settlement and for subscriber seeking withdrawal, the payment are being done inclusive of the interest. तो जी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया है कि जो टैक्स लाभ में बदलाव किए गए हैं इसकी वजह से ईपीएफओ द्वारा जो है वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है, इसकी वजह से जो ईपीएफ खाता धारक है
तो उनको जो है वो इंटरेस्ट की रकम जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर सभी ईपीएफ खाता धारकों के खाते में जो ब्याज की रकम जो है वो क्रेडिट किए जा रही है। साथ ही उनके द्वारा यह भी जानकारी दे दी गई है कि जो भी विड्रॉल कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, तो उनको जो ब्याज की रकम पूरी दी जा रही है, उनका किसी भी तरह से जो है वो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो जी आपके पीएफ खाते के संबंध में जो ये एक अपडेट था, तो उसी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी और जल्दी आपके खाते में जो आपका बैच का अमाउंट है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही क्रेडिट हो जाएगा तो आप वीडियो के नीचे जो कॉमेंट करके सभी को जानकारी दे सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी जो है वो अपना जो बैच है वो अपने जो ईपीएफ खाते हैं तो उनमें जो है वो चेक कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जो एक अपडेट था पीएफ खाते में ब्याज के जमा किए जाने के संबंध में, तो उसके बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है वो अच्छी जरूर लगी होगी। साथ ही आप आपका जो पीएफ का खाता है तो वो भी रेगुलरली चेक करते रहेंगे कि आपका जो ब्याज की रकम है वो जमा हुई है या नहीं हुई है। अगर जमा हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी जमा नहीं हुई है तो उनकी भी जल्दी जमा हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।